दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का रिजल्ट कब तक जारी होगा। दोस्तों यहां पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जितनी ब्लड टेस्ट निकलती है सबसे पहले आपको बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी खबर निकल के आ रही 1100 अपतियों में अटका 4,75,000 संविदा शिक्षकों का रिजल्ट, यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों पूरी खबर क्या है, जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल को संविदा माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही है। परीक्षा में पूछे गए सवालों को लेकर व्यापम को करीब यहाँ पर 1100 अपतियाँ मिली है जिनका यहाँ पर निराकरण करने में अधिकारियों को पसीने छूट रहे हैं। वहीं यहाँ पर 10 मार्च को खत्म हुई परीक्षा को 6 माह होने को है लेकिन अभी भी यहाँ पर रिजल्ट जारी करने के लिए 4.5 लाख आवेदक व्यापम की यहाँ पर जो वेबसाइट पर नजरें जमाए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षक के लिए ट्राइबल स्कूल में 5,507 और स्कूल शिक्षा विभाग के यहाँ पर करीब 5,000 पद हैं। पदों पर भर्ती हासिल करने करीब 4.5 लाख आवेदकों में से यहाँ पे 5.5 लाख आवेदक परीक्षा में शामिल हुए हैं। करीब यहाँ पर 1 लाख आवेदकों को यहाँ पर 2-2 विषयों की परीक्षा दी है। सभी को परीक्षा के तत्काल बाद यहाँ पर अपने प्राप्तक मिल गए थे जिसके यहाँ पर उनका फाइनल कट ऑफ रिजल्ट व्यापम की अब यहाँ पर जारी करना है। उनके रिजल्ट जारी करने में व्यापम को काफ़ी यहाँ पर जो मशक्कत करना पड़ रही है क्योंकि परीक्षा खत्म होने के बाद में व्यापम ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर अपत्या मांगी थी। एक सप्ताह में व्यापम को करीब यहाँ पर 1100 अपत्या मिली। उनके निराकरण में यहाँ पर तथ्य और सवालों को अच्छे से परखा जा रहा है क्योंकि सवाल गलत होने पर व्यापम को सभी आवेदकों को यहाँ पर बोनस अंक देना होंगे। वहीं सवाल गलत होने पर व्यापम को भरी यहाँ पर किरकिरी भी उठाना पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सितंबर के अंत में जारी होगा रिजल्ट। दोस्तों यहाँ पर जो व्यापम ने तर्क दिया है कि यहाँ पर जो परीक्षा में पूछे गए सवालों पर काफी अपत्या दर्ज की गई है जिनका यहाँ पर निराकरण करने के लिए यहाँ पर की कमेटी काफी मेहनत कर रही है। कमेटी की यहाँ पर रिपोर्ट आने के बाद व्यापम सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर देगा। तो दोस्तों यहां पर 7 विषयों में यहां पर हुई थी परीक्षा। व्यापम ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित विज्ञान, समाज विज्ञान विषयों पर परीक्षा ली थी। सभी विषयों में आवेदकों ने यहां पर आपत्ति दर्ज कराई है जिनमें यहां पर 3 प्रकार की आपत्तियां खास है। इसमें पूछे गए प्रश्नों में एक ही सवाल के 2 सही विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न के यहां पर सही जवाब का विकल्प परीक्षा में यहां पर जो दिया ही नहीं गया। परीक्षा में पूछे गए माध्यम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के यहां सवालों में काफी अंतर आवेदकों को देखने को मिला है। तो दोस्तों यानी कि वर्ग 2 का रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट में जारी होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर आपको मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जितनी ब्लड टेस्ट निकलती है सबसे पहले आपको बताया जाता है।